सो और गाइस क्या चल रहा है, और आज ईद है, सबको ईद मुबारक और सबका ईद अच्छा बीते। और आज तो वर्ल्ड कप में इंडिया का पहला मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आप किसको जीतने देखना चाहते हो कमेंट में हमको बताइए, आप कौन जीतेगा ये चाहते हो। और टीम एक्सफोर्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का मेन टॉपिक है इस वीडियो में कि एक ग्लिच या आप उसको टेलीपोर्टेशन हैक भी कह सकते हैं कि मैं कैसे टेलीपोर्ट होकर कहाँ चला गया, ये आप देखिए इस गेम में ही होगा। बड़ा फनी मोमेंट था, फाइट के बीचों बीच में उड़ के सीधा पोचिंग की से स्कूल चला गया था। तो आगे देखिए, कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ इस वीडियो को। इस गेम में पोचिंग की में हम उतरे और थ्री स्टोरी में आ गए थे, और यहाँ पर तो बंदों की झड़ी लग गई। अभी देखिए एक बंदा आया, अभी बहुत सारे बंदे यहाँ पर हमें रश करने आएंगे। अभी आएगा एक बंदा, वो टीपी भी लेता रहेगा आके, और हमने उसको लॉबी में पहुँचा दिया। फिर से एक बंदा आया और मेरे पार्टनर ने उसे मार दिया, पूरा खा गया मार के। अब यहाँ पर हमने दो बंदों को देखा था, उन्होंने हमें बहुत शॉट्स भी दिए थे, तो उन्हें हम कैसे मारे यही सोच रहे थे। वो वहाँ पर थ्री स्टोरी में एक बंदा था और एक घर के ऊपर रूफ में बैठा था एक बंदा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था हमें एक घर से। तो मैंने सोचा कि एक ट्रिक यूज़ किया जाए, मैं भी रूफ में चला गया मुझे जहाँ से एंगल मिल सके, और फिर मुझे वो बंदा दिख गया। वो थ्री स्टोरी में ही था, वो क्या कर रहा था मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने उसे फट से नॉक कर दिया। और उस बंदे का रूप में थोड़ा सा सर दिख ही रहा था, बहुत ही लो एच भी था, इसलिए एक दो गोली लग गया और वो मर गया। इसके बाद इस स्क्वाड को क्लियर करने के बाद पोचिंगी क्लियर हो गया। फिर पोचिंगी के पास में एक ड्रॉप गिरा, तो हम ड्रॉप लेने चले गए एक बाइक उठाकर। अब देखिए इस ड्रॉप को लेने के लिए क्या होगा, मेरा बिगेस्ट मिस्टेक होगा इस ड्राइव के बटन पे क्लिक हो जाना। अभी क्लिक हुआ और ये देखिए टेलीपोर्ट करके मैं जा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ और मैं स्कूल में आ गया। क्या हो रहा था ये, What the fuck? और ये ग्लिच ऐसी जगह हुआ, हमारा बहुत नुकसान हो गया, और एक गाड़ी भी यहाँ पर गिरी हुई है, तो दूसरे किसी लोगों के साथ भी ये ग्लिच हुआ होगा वहाँ पर। और वहाँ पर ही ड्रॉप के पास मेरा पार्टनर अकेले रहेगा, और वहाँ पर दो स्क्वाड ने उस पर रश कर दिया। उसने एक स्क्वाड को तो निपटा दिया, पर दूसरे स्क्वाड ने हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि बीच एकदम पूरा ग्राउंड के बीचों बीच था, इसलिए ये ग्लिच बहुत ही बुरा वाला ग्लिच है। तो देखिए पूरा गेम हमारा ख़राब हो गया इस ग्लिच की वजह से, तो यह ग्लिच पबजी वालों जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, ऐसा अगर होता रहेगा तो खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी अगर अच्छा भी हो सकता है, अगर आप कई बार फंस जाओ, पर अगर अभी होता मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता, मैं टेलीपोर्ट करके कहीं भी चला जाता, पर अभी तो ये होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारी किस्मत चारों तरफ से शॉट आ रहे थे, और मेरा पार्टनर तो गया, और मैं भी जल्दी जाने वाला हूँ। इस वीडियो में तो इतना ही है, अभी मैं मर जाऊँगा देखिए, और अगली वीडियो देखिए उसमें एक चिकन डिनर है। गाड़ी ने उड़ के तो ग्लिच इधर देख, खाली उड़ रिकॉर्ड हो जाए तो छाड़ बो। और ये एक नया वीडियो है, इसमें हम पोचिंग की में उतरे थे, और इस वीडियो में ये अच्छा वाला वीडियो है, मेरा उतना किल नहीं हुआ, पर बहुत अच्छा रश वाला गेम प्ले था। ये पोचिंग की में उतरे और पोचिंग की को क्लियर किया था, और मेरे पार्टनर ने इस गेम में आग लगा दी, मुझको बहुत बार बचाया उसने, तो देखिए। और आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दें, हम लोग डुओ में रैंक पुश करते हैं, हम डुओ ही खेलते हैं हर वक्त, कभी कभी डुओ वर्सेस स्क्वाड भी खेल लेते हैं। और हमारा डुओ में करेंट रैंक हम क्राउन में है, तो देखिए ये गेम प्ले आगे। और यहाँ पर मेरा पार्टनर नॉक हो गया था, एक ने रश कर दिया, और भाई साहब पूरे लो एचपी बचा, लिटरली 5 एचपी बचा मैं यहाँ पर।
ये बंदा ले ही गया था, मेरा मिस्टेक था, गोली मेरा सब नीचे लग गया। और वहाँ पर दो बंदे थे, मेरे पार्टनर ने एक को मारा और रश करने चला गया, फिर वो लोग भाग गए, एक को हमने फिनिश कर दिया और यह एक यहाँ पर रश करने आया, वो भी मर गया, तो वो लोग ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पर एक बंदा बहुत देर से कैंप करके बैठा था, हम उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे। देख ही सकते स्टेयर्स पे दो क्रेट भी पड़े थे, इसका मतलब वो यही कहीं पर होगा, और लोग जब भी ऊपर आ रहे थे उनको मार रहा था, इसलिए हम एक स्मोक भी किया मेरे पार्टनर ने, वो स्मोक ऊपर लग के नीचे आ गया, तो हम फिर नहीं जा पाए। और मैंने सिर्फ सोचा तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, तो मैं अगले वाले घर से उसके बैल्कनी में चला जाता हूँ, तो उसे पीछे से मैं पकड़ सकूँगा और देख सकूँगा, मेरे पार्टनर को बता भी सकूँगा कि उसका लोकेशन कहाँ पर है। फिर मैं देख रहा था कि वो बंदा कहाँ पर है, पूरा घर TPP लेके सर्च कर रहा था। फिर मैं अपने पार्टनर को ही एनिमी समझ रहा था, फिर उसने बताया कि वो पीछे है, फिर मेरे पार्टनर ने भी ऊपर से मार दिया, इसके साथ तो पूरा स्कैम हो गया। और ये एक डे नाइट मैच था, तो फिर रात हो गया और हमने सोचा कोचिंग की तो क्लियर है, अब हम सामने ड्रॉप गिरा है तो ड्रॉप को लूटने चल दे। और वहाँ पर हमें क्या पता था कि वहाँ पर पहले से ही 2-3 या कितने स्क्वाड्स लड़ रहे थे, हमें नहीं पता, स्क्वाड का भरमार था वहाँ पर। अभी देखिएगा, हम सामने पहुँचे ही थे कि मेरे पार्टनर ने बताया शॉट्स आ रहे हैं वैसे Kar98 का, कोई बंदा बहुत देर से Kar98 चला रहा था किसी पर, हम पर नहीं चला रहा था, तो हम धीरे धीरे उसके पास पहुँच रहे थे और मुझे वो बंदा दिख गया पेड़ के पास। मैंने कुछ फायर दिया, इस नाइट मोड की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया और वो पेड़ के पीछे छुप गया। फिर मैंने सोचा एक बॉम्ब मारूं, फिर वो निकला था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने पिन खोला और अच्छे से कुक करके उसके पीछे डाल दिया और बूम वो गया। और मुझे पीछे से एक बंदा खा ही गया था करीब के करीब, और मेरे पार्टनर ने पीछे से आकर उसे भी उड़ा दिया। तो यहाँ पर दोनों स्क्वाड तो ख़त्म हो गए, स्क्वाड का एक बंदा बचा था और उस स्क्वाड का, अभी भी यहाँ पर लोग थे और उन्होंने हमें स्पॉट कर लिया था घर से, उनके पास सॉलिड कवर था और हमारे पास नहीं था, इसलिए डिसएडवांटेज हमारे ही पास था। तो हमने सोचा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, और वो बॉम्ब भी मार रहे थे और हम उनका लोकेशन भी पता नहीं था, तो हमने सोचा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा और हम यहाँ से भाग लिए। और जोन रोजॉक की तरफ बन रहा था, तो हमने सोचा कि रोजॉक में कहीं पर जा रहे हैं, ज़रा देखते हैं कि वहाँ पर बंदे हैं या नहीं, तो चलिए रोजॉक की तरफ जाते हैं। और ये डार्सिया यहाँ पर चलाना इतना मुश्किल है, 4-5 बार गुलाटी खा के फिर वो आता है सामने, और यहाँ पर अगर गन फाइट हो जाए किसी के साथ, कार फाइट, तो हो जाएगा एकदम डार्सिया से। स्क्वाड हाउस में हमको बंदे दिखे थे और हमने सोचा कि पहले उस स्क्वाड हाउस को देख लेते हैं, फिर रोजॉक की तरफ जाएंगे। स्क्वाड हाउस के सामने पहुँचे ही थे, फिर हमको एक गाड़ी दिख गई, तो हमने सोचा यहाँ पर बंदे तो ज़रूर होंगे, पर कोई नहीं था वहाँ पर। और फिर हम रोजॉक में आ गए उसी स्क्वाड हाउस में, और मुझे Kar98 का फटका आके गिरा और मेरे हेलमेट झटके से उड़ गया, फटका झटका कितना कुछ हो रहा था। और यहाँ पर वो बंदा रश करने आ गया, और मेरी सारी गोलियाँ इस दीवार पर भी लग गई, इस दीवार पर, और वो लोग रश करने आ रहे थे, तो मेरा पार्टनर स्टेयर्स में TPP ले रहा था, और वो TPP लेते लेते स्क्वाड को तो वो ही खा जाएगा। इस गेम में मुझे किल ही नहीं मिला क्योंकि उसने किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको मार दिया, जिन बच्चों कुचों को मुझे मिला उनसे ही मुझे संतुष्ट रहना पड़ा। अब इनको भी वो खा जाएगा अभी। मैं उससे थोड़ा फर्स्ट एड ले लूँ पहले।
फिर मैं ऊपर जाकर देख रहा था कि वो लोग अगर ये पर होंगे तो मैं पीछे से घूम के जाकर उन्हें मार सकता हूँ, लेकिन वो नूबड़े सामने से ही आए और मेरे पार्टनर का शिकार बन गए। उसने एक ही स्प्रे में दोनों को खा लिया। फिर यहाँ पर एक बंदा मुझे दिखा था इस घर के अंदर, मैंने सोचा इस घर के अंदर होगा, पर मेरे पार्टनर ने बताया वो पीछे सो रहा था, लेट लेट के सांप बना हुआ था और उसने M249 का तो एक स्प्रे में उसका लॉबी तक सफ़र तय हो गया। फिर मैं यहाँ पर स्मोक करके आया। स्मोक अब सोचेंगे कि मैं सामने क्यों कर रहा था, वो मेरे लिए नहीं, मैं तो सीधा जानता था आ जाऊँगा, मेरे पार्टनर के लिए कर रहा था। और यहाँ पर मुझे मिला एक बहुत बड़ा सांप या कैंपर, आप जो भी कह सकते थे, क्या कर रहा था ये मुझे नहीं पता। मुझे देखकर भी घर में लेट लेट के आगे बढ़ रहा है, गोली भी नहीं चला रहा था पहले। और इसका पार्टनर मुझे ऊपर दिख गया और इस दीवार के थोड़ा सा मैं सामने आ गया था, इसलिए मेरा बंदूक कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे पीछे रहना चाहिए था। तो वहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए वो बच गया। और हमें अब जोन में भी जाना था, जोन ऊपर बन रहा था, तो मैंने एक स्मोक कर दिया और मैं स्मोक के थ्रू जा रहा था। फिर मैंने नहीं देखा और ऊपर एक बंदा मेरे ऊपर पीकी कर रहा था और मेरे पार्टनर ने उसे भी मार दिया। तो मैंने पहले ही बताया था इस गेम में मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत बार बचाया है, तो इस बार भी बचा लिया। उसका तो शायद 9-10 किल हो गए होंगे, पर मुझे इस गेम में किल नहीं मिला। पर जो भी हो, गेम तो अच्छा ही था। उसका और मेरा किल से क्या फ़र्क पड़ता है, गेम जीतने से मतलब होता है। और ये आखिरी बंदा मुझे दिख गया यहाँ पर लेटा हुआ गिली पहन के, और इसका स्वाहा हो गया और एक और इजी चिकन डिनर हमारे लिए। थैंक यू और सबको ईद मुबारक।